दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। गुड आफ्टरनून बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय अभिलाषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन नेहर चौक मंडी। देवभूमि क्षत्रिय संगठन संघ सवर्ण मोर्चा का फैसला, इस बार नोटा दबाकर जताएंगे विरोध। सुबाथु पहुंचे जिद्दी के खलनायक, 150 साल पुराने सैलून में कटवाए दोस्त के बाल। बारिश के पानी में डूबा ऊना का धमांधरी मंदिर संघ, नलकूप क्षेत्र बना तालाब। ज्योति को न्याय के लिए जोगिंदर नगर में कैंडल मार्च, लोगों ने खूब लगाए नारे। और अब खबरें विस्तार से। देवभूमि क्षत्रिय संगठन व देवभूमि स्वर्ण मोर्चा लोकसभा और विधानसभा उपचुनावों में भाजपा और कांग्रेस द्वारा उनकी मांगों को अनदेखा करने पर स्वर्ण समाज से नोटा का बटन दबाने के लिए आग्रह करेगा। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए देवभूमि क्षत्रिय संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रुमित सिंह ठाकुर व देवभूमि स्वर्ण मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मदन ठाकुर ने कहा कि 70 साल से सरकारों ने सवर्णों के लिए एक भी योजना नहीं बनाई, जबकि सवर्ण परिवार सबसे ज्यादा टैक्स इस देश को देते हैं। हर बार उनकी मांगों को अनदेखा किया गया। उन्होंने कहा कि इस बार के चुनावों में सवर्ण समाज भाजपा और कांग्रेस को अपनी ताकत नोटा का बटन दबाकर साबित करेगा। अभिलाषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस नियर चौक मंडी हिमाचल प्रदेश, पायनियर इन एजुकेशन फॉर लास्ट 21 ईयर्स, एक्सीलेंट फैसिलिटी, मॉडर्न लैब्स, finest infrastructure in the state. Courses offered: B.Ed, D.L.Ed, B.Pharmacy, B.Tech, Diploma, A.N.M, G.N.M, B.Sc Nursing, Post Basic B.Sc Nursing, M.Sc in Physics, Chemistry and Botany. Contact for more details: 98164-00520, 98167-00520, 98160-05139. सुबाथु कैंट में एक बार फिर बॉलीवुड स्टार और जिद्दी फिल्म के खलनायक आशीष विद्यार्थी ने बारिश का आनंद लिया। रविवार को वे अपने एक मित्र के जन्मदिन के अवसर पर सुबाथु पहुंचे। उन्होंने सुबाथु बाजार में 150 वर्षों पुराने हेयर सैलून में अपने मित्र की कटिंग करवाते हुए सुबाथु बाजार और यहां के सुहाने मौसम की जमकर तारीफ की। इस हेयर सैलून में उन्होंने भी अपने सिर को पिटवाया। इस लाइव को देखने के बाद उनके चाहने वाले भी उनके साथ फोटो खिंचवाने लगे। बता दें कि सुबाथु में आशीष विद्यार्थी के मित्र का घर है और वे जब भी सुबाथु आते हैं तो साधारण तरीके से लोगों के बीच जाने में कोई परहेज नहीं करते। ऊना क्षेत्र में भारी बारिश ने गांव धमांधरी में खूब कहर बरपाया है। यहां गांव के नरसिंह मंदिर क्षेत्र में बारिश का पानी भर गया है। करीब 3 से 4 फुट तक गहरे पानी से मंदिर खतरे की जद में आ गया है। भारी बारिश से सिंचाई विभाग का नलकूप एरिया भी तालाब में तब्दील हो गया है। पंचायत प्रधान सुनीता कुमारी ने मामले की सूचना फायर ब्रिगेड ऊना को दी। फायर ब्रिगेड ऊना की टीम ने मौके पर पहुंचकर पानी को बाहर निकालना शुरू कर दिया है। ज्योति के न्याय के लिए जोगिंदर नगर में कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें अधिवक्ता अनिल कुमार सहित ज्योति का भाई दीपक व अन्य युवा वर्ग शामिल हुआ। कैंडल मार्च से पहले सभी स्थानीय गांधी वाटिका में सांकेतिक धरने पर भी बैठे। पठानकोट चौक से गांधी वाटिका तक हुए इस कैंडल मार्च में ज्योति हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल अभी जिंदा है के नारों से पूरा बाजार गूंजा। कैंडल मार्च के दौरान अधिवक्ता अनिल कुमार ने कहा कि ज्योति का कंकाल 1 महीने बाद क्षत विक्षत स्थिति में मिला था। उसके बाद शहर में प्रदर्शन हुआ। सरकार ने मामले की जांच सीआईडी को सौंपी है। अब 1.5 महीने से जांच एजेंसी के हाथ में क्या आया क्या नहीं, इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। लोगों ने धमकी दी है कि सोमवार को फिर से आंदोलन होगा और अगर जरूरत पड़ी तो नेशनल हाईवे भी जाम होगा। जैसा कि आपको विदित होगा, आज से 1 महीना पहले भी हम इस तरह सड़कों में उतरे थे। सड़कों में उतरे थे, क्यों उतरे थे ये भी आपको मालूम है। जिस तरीके से
जोगिंदरनगर के अंदर एक नवविवाहिता 23 साल की लड़की को, हमारी बहन ज्योति को मार दिया जाता है और उनका जो सब है वो हमें जंगल में संचार के रूप में मिलता है। उस समय भी हमने SIT कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए प्रदर्शन किया था 11 सितंबर को। उस समय पुलिस विभाग की ओर से ये कहा गया था कि आप हमें कुछ समय दीजिए, हम इसमें जितना पॉजिटिव हो सकता है प्रोग्रेसिव कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन 6 सप्ताह गुजर जाने के बाद भी आज तक ये पता नहीं है कि आखिर इन्वेस्टिगेशन चली क्या है। आज का हमारा ये जो कैंडल मार्च हो रहा है, ये एक सांकेतिक हमारा प्रदर्शन है जिनसे हम धरने में बैठे थे। आज के दिन को हम कंक्लूड कर रहे हैं इसके साथ कि अगर 2 दिनों के अंदर इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है हमें नहीं बताया जाता है तो सोमवार को हम दोबारा सड़कों में उतरेंगे। उसके बाद चाहे हमें नेशनल हाईवे जाम करना पड़े, हम सुबह 8 बजे से लेके 12 बजे तक नेशनल हाईवे जाम करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। उसके लिए चाहे हमें जेल जाना पड़े या हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज हो, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन हमारी बहन को इंसाफ मिलना चाहिए, इसी मांग के साथ आज हम ये सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सोमवार को जो प्रदर्शन होगा वो आपके माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि उस प्रदर्शन का आप सब साक्ष्य बनेंगे और उस प्रदर्शन की पूरी जिम्मेवारी प्रदेश सरकार की और इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों की नेग्लिजेंस के ऊपर होगी। आज हम इस कैंडल मार्च के बाद कंक्लूड कर रहे हैं आज के प्रोग्राम को। परसों हम दोबारा सुबह 8 बजे अगर जरूरत पड़ी तो सड़कों में उतरेंगे और नेशनल हाईवे जाम करेंगे। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अब भी समय चाहती है तो हमें समय देने से भी कोई गुरेज नहीं है, बशर्ते वो टाइम बाउंड मैनर में हो। एक समय हो कि 2 हफ्ते तो 2 हफ्ते, 3 हफ्ते तो 3 हफ्ते, 3 हफ्ते से 21 दिन से 22 दिन नहीं होंगे। आज ये हमारा सांकेतिक प्रदर्शन है और सोमवार को जो होगा उसकी जिम्मेवारी पूरी की पूरी प्रदेश सरकार की।